अमेरिका की सैन फ्रांसिस्को में एक शख्स अपनी कार लेकर चीनी काउंसुलेट में घुस गया। खबरों के मुताबिक पुलिस ने उस शख्स को मार गिराया है। पुलिस ने बताया, हमने काउंसुलेट में घुसने वाले एक अज्ञात शख्स को गोली मार दी है। घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। इसमें नीले रंग की गाड़ी काउंसुलेट के अंदर दिख रही है। दरवाजा टूटे हुए हैं, लोगों को भागते हुए भी देखा जा सकता है। ये घटना ऐसे समय पर हुई है जब सैन फ्रांसिस्को में एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बैठक होने वाली है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग इसमें शामिल हो सकते हैं। ये बैठक अगले महीने यानी नवंबर में होने वाली है। पुलिस के मुताबिक चाइनीज काउंसुलेट ने एक बयान में कहा, काउंसुलेट में घुसने वाला शख्स हमारे स्टाफ और लोगों के लिए खतरा था। हम इस तरह के हमले की निंदा करते हैं। वहीं चीन की फॉरेन मिनिस्ट्री ने आरोप लगाया है कि अज्ञात शख्स लोगों को मारने के लिए अंदर घुसा था। पुलिस ने बताया कि इस मामले की जांच की जा रही है। एक अधिकारी ने कहा, जब हम कॉन्सुलेट पहुंचे तो गाड़ी अंदर ही खड़ी थी, शख्स उसमें बैठा हुआ था। हमने उससे बात करने की कोशिश की, उसने हम पर हमला करने की कोशिश की, जिसके बाद हमने फायरिंग की, गोली शख्स को लगी। उसे अस्पताल ले जाया गया जहाँ उसकी मौत हो गई। फिलहाल आरोपी के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल सकी है।